वेलकम बैक टू डॉली आर्ट रूम। जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैं नए अपडेट के साथ हमेशा आती हूँ। इस बार का वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया गाइज, उसके लिए आई एम सॉरी। ओके, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको समर का सीजन आ गया है और आप लोगों को गर्मियों के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी में समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता होगा। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है पानी में टाइम स्पेंड करना, और इस मुझे पानी में नहीं, मुझे वाटर कलर में पसंद है टाइम स्पेंड करना। यस गाइस, मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं वाटर कलर करने जा रही हूँ। मैं आर्टिस्ट वाटर कलर के का यूज़ करूँगी। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ नहीं की। वो देखिए कितना ये गंदा हो गया है, इसको साफ करेंगे और इससे हम लोग आज पेंटिंग करेंगे। आई होप यू गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वीडियो को। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हम लोग पूरा इंजॉय करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले से एक स्केच बना के रखी हुई हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पानी से गीला करेंगे और पहले हम लोग स्काई को ड्राइंग करेंगे। स्काई के लिए मैं थोड़ा रैंडम कलर यूज कर रही हूँ, थोड़ा ऑरेंज कलर का यूज कर रही हूँ बैकग्राउंड के हिसाब से। और ट्री के लिए ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज। घर का जो छत है रूफ के लिए, उसके लिए मैं लाइट ब्लू का यूज़ की हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड होने देंगे, अच्छे से वाटर कलर में ही काम करना है। ज़्यादा पानी रहेगा, कलर थोड़ा कम रहेगा, इसलिए वो मेरा थोड़ा सा मेल्ट हो गया है कलर और पानी से। बट ये बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में अभी तक, तो पता नहीं आगे क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग अब बिल्डिंग करेंगे। जो बिल्डिंग का दीवार है उसे ऑरेंज कलर में, डार्क ऑरेंज के दे रही हूँ थोड़ा सा। ये ड्राइंग में सिर्फ हम लोग ज़्यादा ऑरेंज ही यूज़ कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। वाओ, फाइनली अब आ गया है डिटेलिंग करना। मुझे डिटेलिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि डिटेलिंग देने से पेंटिंग की जान आ जाती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप पेंटिंग में कैसे डिटेलिंग करते हैं। मुझे तो डिटेलिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप कि आपको भी डिटेलिंग करना बहुत ही अच्छा लगता होगा। मैं डिटेलिंग करने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ कर रही हूँ। डिटेलिंग करने के लिए ज़्यादा टफ डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ, बहुत ही रैंडम नॉर्मल सा डिटेलिंग यूज़ कर रही हूँ। बस ऐसे ही पेन चला दे रही हूँ, पता नहीं क्या बन जा रहा है, मैं कुछ भी कर दे रही हूँ। Thank you.
बट ये अच्छा बन गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा, बट अच्छा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ये ड्राइंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ओके। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए हर हफ्ते न्यू पेंटिंग और नए नए आइडिया के साथ आऊँगी, और आप ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। बाय, सी यू।